सो गाइज वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त आ गया हूँ टिकटॉक के एक और वायरल वीडियो के ट्यूटोरियल को लेकर। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, आज का वीडियो परफेक्ट एडिटिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको ट्रिपल रोल के साथ साथ स्काई चेंज, स्लो मोशन, स्लाइड शैडो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाना सीख जाते हैं तो गाइज इस तरह के आने वाले भविष्य में आप बहुत सारे वीडियो बना के टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं और आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है। तो गाइज आज का हमारा वीडियो कुछ इस तरह का होने वाला है। दोस्तों जो वीडियो आपने भी स्क्रीन पर देखा है, आज के इस वीडियो मैं आपको परफेक्ट इसी तरह का वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको अपने वीडियो को कुछ इस तरह का शूट करना है। दोस्तों ये मेरा पुराना वीडियो है, यहाँ पर दोस्तों आप अपना वीडियो नए तरीके से शूट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से एक्टिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो शूट करने के टाइम पहले आपको सेंटर में एक्टिंग करना है, उसके बाद कपड़े को चेंज करके आपको दूसरे साइड में एक्टिंग करना है, फिर से कपड़े को चेंज करके आपको तीसरे साइड में एक्टिंग करना है। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको वीडियो शूट कर लेना है। अब गाइज आपके फोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर, और दोस्तों स्काई चेंज करने के लिए आपके पास एक फोटो चाहिए, चाहे तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज सीधा चलते हैं काइन मास्टर में, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, 9 और 16 का यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करेंगे। मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद आपको अपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया था, उसके बाद यहां से ओके करेंगे। वीडियो को दोस्तों स्टार्टिंग पोजीशन पर लेके आएंगे। अगर आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, फालतू पार्ट है, तो वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, कैंची पर जाने के बाद ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट करके काट देंगे। उसके बाद दोस्तों वीडियो को स्लाइड करके आपको उस पोजीशन तक लेके जाना है जहाँ पर दोस्तों आपका पहला रोल कम्प्लीट होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पहला रोल यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके वीडियो के सेंटर में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, फालतू पार्ट है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने दूसरे रोल को दोस्तों यहाँ से रखना चाहता हूँ, तो ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट करके काट देंगे। दूसरा रोल दोस्तों हमारा यहाँ तक होने वाला है, जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको स्प्लिट प्लेट करके काट लेना है। दोस्तों आपको अपने वीडियो के तीनों रोल को अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने वीडियो को दोस्तों तीन पार्ट में कटिंग कर लिया है। गाइज इस वीडियो को हम दो पार्ट में एडिट करने वाले हैं। तो गाइज अब यहाँ पे आपको दूसरे वाले वीडियो को सेलेक्ट करना है, यहीं से दोस्तों आपको डिलीट के नीचे 3 डॉट पे जाना है, डुप्लीकेट एज ए लेयर कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस लेयर वाली वीडियो को आपको इस तरह से स्लाइड करके उस पोजिशन पर लेके आ जाना है जहाँ पे दोस्तों आप दूसरे रोल की एंट्री करना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन पे जाना है, लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है, इस तीर को पकड़ के आपको इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है ताकि तीनों रोल दोस्तों यहाँ पे आपका आ सके, जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। दूसरे वीडियो को दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, डिलीट के नीचे 3 डॉट पर जाएंगे, डुप्लीकेट एज ए लेयर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को भी आपको स्लाइड करके इस तरह से उस पोजीशन पर लेके आ जाना है जहां पे दोस्तों आप तीसरे रोल की एंट्री करना चाहते हैं। यहां से स्क्रीन पर जाएंगे, राइट साइड वाले स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे, तीर पकड़ के दोस्तों आपको इस तरह से इसको भी मैनेज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों ये दोनों वीडियो का आपका कोई काम नहीं है, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने वीडियो को गाइज अच्छे से मैच कर लेना है, यानी दोस्तों जहां पे आप चाहते हैं लेफ्ट साइड वाली एंट्री हो वहां पे आपका लेफ्ट साइड वाला रोल निकलना चाहिए, या जहां पे आप चाहते हैं आपका राइट साइड वाला रोल की एंट्री हो उसी जगह पे दोस्तों ये राइट साइड वाला रोल आपका निकलना चाहिए। जैसा गाइज यहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रिपल रोल बनने वाला है। अब दोस्तों इस वीडियो को आपको एक बार पहले सेव कर लेना है, तो सेव करने के लिए आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है, 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। दोस्तों वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो गया है, यहाँ पे आपको दो बार इस तरह से बैक करना है, फिर से काइन मास्टर के प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, 9 और 16 का आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो दोस्तों आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने उस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों जहाँ से आप अपने वीडियो में स्लो मोशन लगाना चाहते हैं,
जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चलना यहीं से स्टार्ट करता हूँ। गाइज यहाँ पे आप डांस भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले ऑडियो पे जाके इसके वॉल्यूम को बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। इसी पोजिशन से दोस्तों आपको अपने वीडियो को कैंची पर लेके जाना है, स्प्लिट प्लेट करके काट देना है, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। लास्ट वाले वीडियो को आपको अगेन सेलेक्ट करना है। स्पीड कंट्रोल में जाने के बाद दोस्तों इस वीडियो के स्पीड को आपको स्लो कर देना है, जितना स्लो मोशन में आप रखना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां से ओके करेंगे। अब दोस्तों वीडियो को स्लाइड करके आपको उस पोजीशन पर लेके जाना है जहां से आप स्काई चेंज करना चाहते हैं। यहीं से आपको लेयर में जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपको स्काई के फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ से दोस्तों इस फोटो को सेलेक्ट करने वाला हूँ। गाइज आप दूसरे फोटो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको इस स्काई वाले फोटो को थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर देना है और उसके बाद दोस्तों एक साइड में ला के इसको इस तरह से सेट कर देंगे। अब गाइज इसके साइज को आपको इस तरह से लास्ट पोजिशन तक रख देना है। उसके बाद दोस्तों यहीं से आपको डिलीट के ऊपर चाबी पर जाना है। अब गाइज लास्ट पोजिशन पर आपको वीडियो को रखना है, प्लस पे डॉट देना है और इस स्काई को दोस्तों आपको थोड़ा सा इस तरह से आगे पीछे कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों आपका स्काई आपके वीडियो में चलने लगेगा। उसके बाद यहां से ओके करेंगे। अगेन आपको स्काई पे क्लिक करना है। यहीं पे दोस्तों नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन में आपको अपने वीडियो के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर रख लेना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ से डार्कन रख देता हूँ। उसके बाद यहां से ओके करेंगे तो गाइज क्या होगा ये स्काई आपका धीरे धीरे यहां पे चलने लगेगा। अब दोस्तों जहां पे आप स्लाइड शैडो वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं उस पोजीशन पे आपको लेयर में जाना है। यहां पे दोस्तों आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहां से दोस्तों आपको ये वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है दोस्तों अनगलिफ स्लाइड। जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके काइन मास्टर में नहीं आता है गेट मोर पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों इस इफेक्ट को आप इस तरह से फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं या फिर अपने बॉडी के ऊपर भी आप रख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप सेटिंग में जाके इसके एनिमेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने वीडियो के हिसाब से, जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। दोस्तों इसके साइज को हम थोड़ा सा इस तरह से कम कर देते हैं ताकि हमारे वीडियो में दोस्तों सिर्फ ये थोड़ा सा यहाँ पे आ सके। अब दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो बन के तैयार हो जाता है। मैंने दोस्तों आपको सारे इफेक्ट के बारे में बता दिया है, आप अच्छे से दोस्तों इस तरह से इससे बेटर वीडियो बना सकते हैं। जैसा गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जिस तरह से एक्टिंग करेंगे उसी तरह से आपका वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है। 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।